हेलो दोस्तों, का फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में रफली 3% के अराउंड में हमें रैली देखने को मिला है। और दोस्तों इस स्टॉक में यहां पे देखा जाए पिछली 1 मंथ में तो इस स्टॉक में यहां पे रफली काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले मंथ में जब इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा था, वहाँ पर भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों, अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाती हुई देखने को मिलेगा। और दोस्तों वहाँ से इस स्टॉक में अच्छा खासा देख सकते हो, पिछली 1 मंथ में इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। और दोस्तों पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में 61% के आसपास का मुनाफा का फिगर है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 124% से एबव का मुनाफा दिया है। और दोस्तों इसका प्राइस ग्राफ देख के हमें समझना चाहिए, स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है। पिछली 5 ईयर की बात करेंगे दोस्तों तो पिछली 5 ईयर में इस स्टॉक में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुनाफा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक में 2000% से एबव का अभी तक इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। और दोस्तों इसका प्राइस ग्राफ यहाँ पर भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जैसे इसका प्राइस 1600 रुपये क्रॉस करते हुए हमें देखने मिलेगा, फिर से इस स्टॉक में हमें बोनस शेयर देखने को मिल सकता है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, क्योंकि अभी तक इसका हिस्ट्री रहा है जब भी इसका प्राइस हमें 1500 से 1600 के आसपास में देखने मिला, वहाँ पे इस स्टॉक में हमेशा हमें बोनस शेयर हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से वरुण बेवरेज लिमिटेड की रिगार्डिंग। यहाँ पर दोस्तों इसका रेवेन्यू ग्राफ देख सकते हो कितना शानदार इसका रेवेन्यू ग्राफ है। इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिल रहा है। पिछली 5 ईयर ग्राफ है, एवरी ईयर ग्राफ अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट ग्राफ भी देख सकते हो, इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें नेट प्रॉफिट ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछली 5 ईयर ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इनकम के साथ में नेट प्रॉफिट का फिगर शो किया है। और दोस्तों इसका EPS ग्राफ यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से इसका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ग्राफ हमें देखने मिला, ठीक वैसा ही इस स्टॉक का शेयर प्राइस भी इसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में डेफिनेटली दोस्तों इसका प्राइस हमें रफली 1600 से 1700 के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका टेक्निकल चार्ट की बात करें तो इसका 1 डे का टेक्निकल चार्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट लेके इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे इसका प्राइस थोड़ा सा हमें साइड जोन में देखने को मिला था, हालांकि यहाँ पे एक अच्छा खासा फिलहाल हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 1600 के क्रॉस के आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसका वीकली टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी इसका वीकली टेक्निकल चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से देख सकते हो इस स्टॉक में हमेशा हमें रैली देखने को मिलता है, बीच बीच में थोड़ा सा इसका प्राइस यहाँ पे साइड जोन में हमें देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों एवरी ईयर इस स्टॉक में रफली 100% के आसपास में हमें मुनाफा देखने को मिलता है। और दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें रफली यहाँ पे 1300 रुपये क्रॉस करके आगे निकलते हुए देखने को मिला, वहाँ से इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसका प्राइस रफली 1150 रुपये के आसपास में हमें आते हुए देखने मिला था। वहाँ पे भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों, अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है तो इसके ऊपर हमें फोकस बना कर रखना चाहिए। और दोस्तों फिर से इसका प्राइस यहाँ पे रफली 1400 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 1600 के क्रॉस करके आगे निकलते हुए हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पर जो बात करेंगे इस स्टॉक मार्केट कैपिटेशन की गाड़ी, तो पे 1,85,000 करोड़ से एबव का फिगर है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे इसका 52 की हाई का, तो स्टॉक प्राइस में 1400 क्रॉस करके यानी कि आज ही ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिला। और दोस्तों लो की बात करेंगे तो 623 का लो का फिगर है। और दोस्तों स्टॉक प्रीशू की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रफली 91 के आसपास का फिगर है, जो कि इंडस्ट्री के प्रीशू की बात करेंगे दोस्तों तो ओनली यहाँ पे 35 के आसपास का फिगर में देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इस स्टॉक का पी रेशियो है काफ़ी हाई है दोस्तों। हालांकि रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी शानदार फिगर है, स्ट्रॉन्ग फिगर है। रिटर्न कैपिटल इक्विटी का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी शानदार है। और दोस्तों इसका फेस वैल्यू ₹5 का फिगर है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस स्टॉक में दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग 63% से एबव का होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे 0.04% का यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर का शेयर
प्लेस देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करेंगे तो रफली यहाँ पे 16 के आसपास का फिगर है। हालांकि दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.78 का फिगर है, यानी कि थोड़ा बहुत डेप्ट का फिगर है, कोई खास नहीं है। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो 803 करोड़ का हमें नेगेटिव फिगर ही देखने को मिल रहा है। इसका दोस्तों पीई रेशियो भी थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिले। अदरवाइज स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार है, अभी तक स्टॉक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में भी इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसे क्वार्टरली सेल्स की बात करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स का फिगर शो किया था। हालांकि सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर के सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिला। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग गिरावट हुआ। हालांकि दोस्तों इसका ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इनकम के साथ में अभी तक सेल्स का फिगर शो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी एवरी ईयर का स्ट्रॉन्ग फिगर है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो फिर नेट प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर का काफी शानदार तरीके से फिगर हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का स्ट्रॉन्ग फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी पिछले 3 साल का स्ट्रॉन्ग फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक प्राइस सीजर की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का काफी शानदार फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों रिटर्न की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग फिगर है, जबरदस्त है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इसका रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व का फिगर भी यहाँ पे काफी शानदार है, स्ट्रॉन्ग फिगर है एवरी ईयर का। और दोस्तों यहाँ पे ब्रूइंग्स की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत डेप्ट का फिगर है जो कि कोई खास अधिक नहीं है। हालांकि फिक्स एसेट की बात करें तो एवरी ईयर फिक्स एसेट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे शेयर होल्डर पैटर्न की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे भी हमें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग 63% से एवब का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई का होल्डिंग यहाँ पे रफली 26% से एवब का होल्डिंग है, जो कि डीआई का होल्डिंग रफली 3.5% से एवब का होल्डिंग है। और दोस्तों रिटेल का होल्डिंग ओनली 6-7% के आसपास का होल्डिंग है। तो यहाँ पे सारे का सारे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी यहाँ पे दोस्तों एफआई एंड डीआई का होल्डिंग काफी शानदार है। और दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग भी यहाँ पे 63% से एवब का होल्डिंग है। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए जबरदस्त है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1280 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 1600 के क्रॉस के आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक अभी तक स्ट्रॉन्ग तरीके से साबित हुआ है और फ्यूचर में भी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो का नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बाय।